तो देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक प्रेस्टीज के इंडक्शन कुकटॉप को। प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले इसे मैं मेन लाइन देता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई है। सबसे पहले मैं इसे सीरीज से कनेक्ट कर रहा हूं, तो देखिए देखिए डिस्प्ले में इसकी लाइट आ चुकी है, लेकिन जो इसका पावर वाला बटन है ये देखिए कभी काम कर रहा है। और ये देखिए इसके अंदर से कैसी साउंड आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो देखिए ये प्रॉब्लम है। देखिए, अब इसके ऊपर जो है मैंने एक बर्तन रख दिया है, इसके अंदर थोड़ा पानी भी है। अब डिस्प्ले में तो हमारा ऑन आ चुका है, ये देखिए ऑन ऑफ वाला बटन काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, और फैन की आवाज़ आप सुनिए। लेकिन आगे वाले जो बटन हैं, ये देखिए ऑप्शन देने वाले, ये इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम आज इसे ही सॉल्व करने वाले हैं इसे प्रॉब्लम को, और इसकी जो फैन की आवाज़ आप सुन सकते हैं इसे भी ठीक करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम पैनल खोल लेते हैं, बर्तन को एक साइड करते हैं और इसे खोलते हैं। देखिए, पैनल बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर जो है ये बटन जो है हमारा ऑन ऑफ का है, ये हमारा कम करने का है और ये हमारा बढ़ाने का है, मतलब ये माइनस है और प्लस है, और ये नीचे वाले जो हैं ये ऑप्शन के हैं। तो इसके अंदर हम एक दो तीन और दो, एक हमारा मिल्क वाला और एक HG वाला, ये जो है इसे चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है हमारे ऑप्शन के हैं। तो देखिए, जल्दी से इन्हें बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जो जो स्विच आपको निकालने हैं, अगर आप चाहें तो सारे को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं, उन सभी पर आपको थोड़ा थोड़ा पेस्ट अप्लाई कर देना है। तो देखिए, अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको आयरन पकड़ना है। अगर इसके साथ अगर आप आयरन को ज़बरदस्ती इसमें निकालने की कोशिश करेंगे बटन को, तो प्रिंट जो है वो डैमेज हो जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से स्विच बाहर आ चुका है। जो दूसरा रिप्लेस करना है हमें उस पर रखते हैं। ये देखिए, ये वाला भी हमारा बाहर आ चुका है, और अब मैं प्लस माइनस वाला जो है इसे निकालता हूँ। इसके PCB के प्रिंट जो है हमारे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, जिससे ये एकदम से टूट जाते हैं अगर हम इस पर ज़बरदस्ती करें तो। ये देखिए, इस वाले को निकालते हैं। ये मेरे पास जो है अभी 60 वाट का है आयरन, सोल्डरिंग आयरन। इस पर अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो 25 वाट का यूज कर सकते हैं। जल्दी से देखिए इसे भी निकाल देते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ये देखिए, पांचों के पांचों जो हैं हमने निकाल दिए हैं, देख सकते हैं। इन्हें साइड कर देते हैं। अब इनकी जगह जो है हम नए रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनके होल क्लीन करते हैं। ये देखिए, इसका देखिए एक वो हट चुका है, लेकिन ये जो है हमारा खाली था, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसलिए ही हटा है। और एक यहाँ पर है। ये देखिए, अब देखिए इनके जगह हम जो है नए लगाएंगे। तो नए हमारे कुछ इस तरह से है, आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, एक ये हमारा दूसरा और ये है तीसरा, और जी ये हमारा है चौथा। और ये हमारा पांचवा। तो देखिए, जल्दी से इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं।
सारे जो स्विच हैं हमने रिप्लेस कर दिए हैं। अब इसे फिर से हम सीरीज से कनेक्ट करते हैं एक बार, तो ये देखिए ऑन करते हैं, बढ़िया आसानी से ऑन हो गया। दूसरा पावर बटन देखिए मैंने प्रेस किया तो हमारा टाइमर भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। इंडक्शन जो है हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी आप सुन सकते हैं, अभी भी पंखे में आवाज़ हमारी आ रही है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, साउंड सुनिए अब, जैसे ही मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगा आप फिर सुनिए। देखिए मैं फिर से एक बार ऑन करता हूँ, ये देखिए अभी हमारा ये देखिए सुन सकते हैं, पंखे की हमारी स्पीड भी बढ़ गई है और आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो देखिए प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। अब मैं इसे जल्दी से पैक कर देता हूँ और इसकी फाइनल टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जो है जो हमने ये स्टिकर हटाया है इसे फिर से हमें लगा देना है। लाइट आ गई है, बर्तन रखते हैं, ऑन करते हैं, ऑप्शन देते हैं, देखिए हीटिंग होनी शुरू हो गई है, बढ़ाते हैं, दूसरा ऑप्शन देते हैं कोई यहाँ पर, ये देखिए बढ़ाने और घटाने वाला भी जो है हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल इंडक्शन जो है हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। एक बार एम्पियर मीटर की ओर फोकस करते हैं, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर एम्पियर हमारा इंडक्शन अभी ले रहा है। तो देखिए इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू भाई।